हरियाणा के भिवानी जिले के डाडम क्षेत्र में खनन ठेकेदारों ने 300 वर्ग मीटर तक जंगल का सीना छलनी कर दिया है। ये क्षेत्र अरावली की पहाड़ियों में पड़ता है। लीज क्षेत्र से बाहर भी वर्तमान ठेकेदार ने 0.8 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन किया है। नया ठेकेदार पुराने समकक्ष की खनन नीति पर ही काम करता रहा, उसे अपनी खनन नीति बनाई ही नहीं। ये खुलासा NGT की हरियाणा निगरानी समिति के चेयरमैन और डाडम में अवैध और अवैज्ञानिक खनन की शिकायतों की जांच के लिए गठित 8 सदस्यीय टीम संयुक्त समिति के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल की अंतरिम रिपोर्ट से हुए हैं। ये रिपोर्ट 13 अक्टूबर 2021 को उन्होंने NGT को सौंपी है। कमेटी ने अगस्त और अक्टूबर महीने में दो बार डाडम क्षेत्र का दौरा किया है। उसके आधार पर रिपोर्ट में जिक्र है कि हरसेक हिसार की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार सतह से 78 मीटर नीचे तक खनन ही किया जा सकता था, लेकिन ठेकेदार ने 109 मीटर तक किया है। कहीं 200 से 250 मीटर खुदाई भी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार खनन से भूजल खादान में नहीं निकला, खादान की दरारों में रिसाव से पानी आया है। चूंकि आसपास के जल स्रोतों का जल स्तर 9 से 18 मीटर के बीच है, खादान में पहाड़ खिसकने से बड़ा हादसे की जांच के लपेटे में अधिकारी भी आ सकते हैं। बुधवार को खादान और भूगर्भ मंत्री मूलचंद शर्मा ने सिविल सचिवालय में मामले की तह तक पहुंचने की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। खादान सुरक्षा विभाग गाजियाबाद ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि डाटम में अवैज्ञानिक खनन नहीं हो रहा है। इस पर जसरी प्रीतम पाल कमेटी ने खादान और भूगर्भ विभाग भिवानी को निर्देश दिए कि प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संगठन से उपनिदेशक खादान सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट का अध्ययन करवाएं। डाटम खादान को RD 20,500 से 23,500 के बीच 2015 से 2021 के बीच हुए नुकसान की सैटेलाइट इमेज तैयार करके सौंपे। इसी भिवानी खादान को नष्ट करने वाले ठेकेदारों और अन्य की जिम्मेदारी तय करके मरम्मत कार्य के लिए राशि वसूलें। खादान और भूगर्भ विभाग डाडम खादान के समानांतर पुल के आसपास हुए खनन की जांच करके रिपोर्ट तैयार की जाए। ये पुल मौजूदा समय में बंद पड़ा है।